नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष संगे प्रधान अध्यापक के अख्तियार घूस सहित नियंत्रण मिलने मुख्य प्रशंसा। महतौरी के श्री माध्यमिक विद्यालय एकडारा के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विनोद पासवान आ प्रधान अध्यापक राम दिनेश मंडल के घूस सहित अख्तियार नियंत्रण मिलने है। छिनका सबके अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की टोली बृहस्पति दिन महतौरी के जलेसर नगर पालिका दू टाउन प्लानिंग स्थित एकटा रेस्टोरेंट से नियंत्रण में लेने से दोनों विद्यालय के खेलकूद मैदान स्तोत्री कर क्रम में अवरोध सृजना करित विभिन्न बहाना बनाकर सेवाग्राही संघ 50,000 घूस लेने अख्तियार जानकारी देने प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कलक। देश में भेल मूल्य वृद्धि संबंध में अनुगमन का कारण पता लगवैत मूल्य वृद्धि अंत्य कर पड़वाक सांसद सब जोर देने से प्रतिनिधि सभा के शुक्र दिन के बैसार में पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि संबंधी जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव ऊपर के सलफल में भाग लेत ओ सब मूल्य वृद्धि से सर्वसाधारण जनता के अपन दैनिकी चलाव समेत समस्या भ रहला से ऐ के दीर्घकालीन समाधान उपाय खोज पड़वाक जिक्र कलन। सलफल में कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा नेपाल के पेट्रोल डीजल आ LPG गैस मुक्त बनाब जिक्र कलन और आयात के सबसे बड़का व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ भेल ऐ के मुक्त केनाई आवश्यकता रहल धारणा रखलन। नेपाल में ईंधन भंडारण क्षमता अधिक नहीं भेला से कच्चा तेल किन आ संगे प्रशोधन कर व्यवस्था मिलाब योजना आगा बढ़ौलन। त्यो त बढ्दै जान्छ, प्रयोग पनि बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ, हाम्रो नियन्त्रणमा धेरै कुरा छैन। त्यसैले यसको उपाय भनेको हामीले यसबाटै देशलाई मुक्त गर्छ, पेट्रोल डिजल एलपिजी ग्यास मुक्त देश बनाउने, यसको लागि आजैबाट काम गर्ने यो उपाय पनि सुरु गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेको लागि भने म फेरि एकपल्ट ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, हामीले कहीँ न कहीँ आज यो 10 रुपियाँ घटाइएको छ, योभन्दा बाहेक अरू केही ठाउँहरू छन् घटाउनु मिल्ने ठाउँहरू छन्, त्यसबाट घटाएर भए पनि केही राहत दिनुको लागि आग्रह। तहिना कांग्रेस के सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल डीजल आ पेट्रोल में 1 रुपया कर लगाब उपयुक्त रहलो पर अन्य कर थप केला से समस्या देखल गेल जानकारी दलन। ओ मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार के गंभीर होब पड़वाक धारणा रखने से उपाय किन अपनाइए त्यो विषयलाई किन बेमतलब गरियो, किनभने यही मौकामा चौका हान्नु पर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रह्यो। र यो सरकारलाई एउटा बडा सजिलो छ, किनभने पहिला पहिला 1 रुपियाँ मूल्य वृद्धि कतै बढ्यो भने अटोमेसनमा गएर बढ्यो भने मण्डला तात्थ्यो, सरकारले बढाउँथ्यो, अहिले IOCले बढाएर ल्याइदिन्छ पठाइदिन्छ। यो एउटा न्यारेटिभ सिर्जना गर्न खोजिया छ। म भन्न चाहन्छु यसको असर तपाईँसित चामल छ भने पनि कर्णालीमा पठाउन सक्नुहुन्न, कर्णालीमा तेल उत्खननको कुरा ग्यास उत्खननको कुरा कहाँ पुग्यो, सरकारको नीति कार्यक्रममा देखिएन। आगो एना एमाले के सांसद गोकुल बास्कोटा पेट्रोलियम पदार्थ आ खाद्यान्नमा सबसे बेसी डलर विदेश जा रहला से 2-4 महिनामा श्रीलंका के हालत में पहुंचत चेतावनी देने से पेट्रोलियम पदार्थ सहित के वस्तु में भेल मूल्य वृद्धि प्रति सरकार रमिते बनल हुनकर टिप्पणी रहल अछि। ₹91 लिन्छ, मटीतेलमा ₹19.46 लिन्छ र खाना पकाउने ग्यासमा ₹297.97 ट्याक्स दिन्छौँ हामी भने हामीले घटाउन सक्ने सम्भावना त प्रशस्त मात्रामा छ नि। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अरू छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढो भन्दैमा यहाँ बढाउनै पर्छ भन्ने कुरा होइन, ट्याक्सबाट पनि हामी त्यो समायोजन गर्न सक्छौँ, तर त्यो यत्रो ठुलो मात्रामा ट्याक्स लिँदाखेरि पनि सरकारले त्यो घटाउने खालको कुनै पनि प्रयास गरेको हामीले देखिएन, त्यही भएर हामीले यो जरुरी सार्वजनिक महत्व ऐसा पहिने सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पेश करैत एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई अर्थतंत्र के प्रमुख परिसूचक प्रति सरकार यथेष्ट ध्यान पुर्याव नहीं सकला से जनता के जनजीवन संग जोड़ल खाद्यान्न लगात के अन्य उपभोग्य वस्तु के व्यापार व्यापक मूल्य वृद्धि भेल जिक्र कलन। सरकार मुद्रास्फीति के रोकबाक सट्टा दिन प्रतिदिन खाना बनाब गैस डीजल पेट्रोल मटीतेल लगात के पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य स्वचालित रूप में 15 दिन में बेर बेर समायोजन कर सक प्रावधान विपरीत मूल्य बढ़ेने हिनकर कहब रहल अछि। प्रस्ताव में सांसद सब
यज्ञ राज सुनवार गणेश प्रसाद पहाड़ी आ राजेंद्र प्रसाद लिंगदेल समर्थन केने सलन यह ज्येष्ठ नौ गते ओ प्रस्ताव संसद सचिवालय में दर्ता कैल गल सन। नेपाल में थप 26 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कैल गेल 4528 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 19 गोटे आ 1077 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 7 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण शुक्र दिन किनको मृत्यु नहीं भेल अछि। बीतल 24 घंटा में थप 9 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,119 गोटे संक्रमित निक रहल छन। अखन नेपाल में 111 गोटे सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सूचना संकलन के लेल खटैनी घुमबा सबके फिरता कैलक अछि। सादा पोशाक में घुमबा खटबैत आयल सशस्त्र प्रहरी भीतर विकृति बढ़लाक बाद हेडक्वार्टर के निर्देशन में घुमबा प्रहरी हटाव शुरू कैल गेल अछि। सादा पोशाक में खटल 400 घुमा प्रहरी के संबंधित कार्यालय तान कर नियमित ड्यूटी में लगने सशस्त्र प्रहरी बल के प्रवक्ता तथा डीआईजी विदुर खटका जानकारी देने सैन। तराई के जिला समेत सशस्त्र के यूनिट सब घुमा प्रहरी खटबैत आयल अछि। सूचना संकलन के लिए कहत खटायल गेल घुमा प्रहरी सब अवैध असूली लगात के धंधा समय लागल उपराग बढ़ल बाद सशस्त्र आईजीपी राजू अरियाल के निर्देशन में घुमवा हटाव शुरू कैल गेल अछि। देश के मुख्य व्यापारी नाका बीरगंज के प्रयोग करित भारत तथा तेसर मुलुक संग करित आयल नेपाली वस्तु के निर्यात में उल्लेख्य वृद्धि भेल अछि। आर्थिक वर्ष के 10 महीना के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के व्यह अवधि में ई नाका प्रयोग करित नेपाली वस्तु के निकासी में 93% से वृद्धि भेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष के शाम से बैसाख धरि 37,97,70,00,000 मूल्य बराबर के नेपाली वस्तु निकासी भेल में चालू आर्थिक वर्ष के व्यह अवधि में 35,13,00,000,000 से बेसी अर्थात 76,10,00,000,000 मूल्य बराबर के विभिन्न वस्तु निकासी भेल अछि। ई 92.51% से बेसी रहल अछि। वीरगंज नाका प्रयोग करित नेपाल से भारत तथा तेसर मुलुक से बेसी निकासी हेनाइ भटमास तथा खजूर के प्रशोधित तेल फल फूल के जूस सूर्यमुखी प्रशोधित तेल सिंथेटिक यार्न जमोट कपड़ा स्पोर्ट शूज सिंथेटिक शूज लगाए के वस्तु रहल वीरगंज भंसार कार्यालय जानकारी देने अछि। अ नाका से नेपाली वस्तु के निर्यात बढ़ल संगे भंसार कार्यालय के राजस्व संकलन में समेत सुधार देखल गेल भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी सुमित गुप्ता जानकारी देने छथि। समझौता अनुसार भारत रासायनिक मल उपलब्ध नहीं करेने बाद ताकेता करे लेल कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री महेंद्र यादव भारत प्रस्थान केने छैन। खाद्य स्वच्छदाता संबंधी कार्यक्रम में सहभागी होबे लेल ओ भारत गेल। मंत्री यादव व्याह कार्य के लगते भारत के रसायन तथा उर्वर मंत्री सब संगे 3 गोटे मंत्री संग छलफल करित घुरबाक कार्यक्रम रहल अछि। भारत संग G2G प्रणाली मार्फत मल खरीद कर समझौता पत्र में हस्ताक्षर भ चुकल संगे कंपनी समेत छनौट केलो पर समझौता अनुसार रासायनिक मल उपलब्ध होब नहीं सकल बाद मंत्री यादव भारत भ्रमण के क्रम में ताकेता कर पहुँचल छन। मंत्री यादव के प्रेस सहयोगी सत्य प्रकाश यादव के अनुसार व्यापार सहजीकरण इलायची चिया निर्यात हरियाणा आ नोएडा से उपलब्ध करायल कहल गेल मुर्जा जात के भैंसी आयात कर विषय में सेहो छलफल कैल जायत। नेकपा माओवादी केंद्र के शुक्र दिन लेल आह्वान कैल गेल केंद्रीय समिति के बैसार स्थगित भेल अछि। केंद्रीय कार्यालय के सचिव श्रीराम ढकाल बैसार अनिश्चित काल के लेल स्थगित कैल गेल जानकारी देलनि। आइ के केंद्रीय समिति के बैसार नहीं होब ढकाल आगा कलनि एके बेर असार 15 गते ई बैसार बैस सकैत अछि। बीच में वर्चुअल होब सेहो संभावना रहल अछि। स्थानीय निर्वाचन के समीक्षा के लेल माओवादी शुक्र दिन साँझ केंद्रीय समिति के वर्चुअल माध्यम से बैसार बैस तय केने छल। ढकाल के अनुसार सांसद सब संसद बैसार में रहला से बैसार बैस नहीं सकल जानकारी देलनि। सदन में व्हीप जारी भेल अछि। मंत्री सब केंद्रीय सदस्य सांसद सब ओतय केंद्रित रहला से बैसार बैस नहीं सकल अछि। स्थानीय चुनाव पहिने बैसल माओवादी केंद्रीय
समिति के बैसार से पदाधिकारी चयन कर नहीं सक बाद माओवादी ज्येष्ठ 20 में बैसर निर्णय केने सर। मुदा चुनाव के बाद बैसर पूर्व स्थानीय समिति बैसार शुक्र दिन भरजुअल बैसार समेत चुनावी समीक्षा कर आ पदाधिकारी चयन कर असार 15 गते भौतिक रूप में बैसार बजावर निर्णय कलक। मध्य प्रदेश प्रदेश सभा आगे अस्थायी शिक्षक सब प्रदर्शन केने सैन तलब भत्ता मांग करते बृहस्पति दिन शिक्षक सब प्रदर्शन केने सैन। शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र यादव सरकार के ध्यान आकर्षण कराब उद्देश्य के साथ प्रदर्शन केने जानकारी दिलन। हिनकर अनुसार सरकार विगत में समझौता केलो पर कार्यान्वयन कर आल टार केने सैन। अइ प्रदेश में 450 से बेसी अस्थायी शिक्षक सब रहल सैन। ओ सब एक वर्ष मासिक तलब आ भत्ता समेत नहीं पेने सैन। हिनका सबके सरकार विरुद्ध नाराबाजी कैल गेल संगे तलब भत्ता सुनिश्चित कर कानून राज्य के महसूस कर मौलिक हक के हनन नहीं कर विगत के समझौता लागू कर अस्थायी शिक्षक सबके व्यवस्थापन हो लगात के प्ले गार्ड सहित नाराबाजी कैल गेल सर। विगत में आंदोलन केला पर प्रदेश समन्वय परिषद के पीड़ित अस्थायी शिक्षक सब के संख्या निर्धारण करित तथ्यांगत विवरण मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में पठाओल गेल सल। सामान्य परिषद एवं मुख्यमंत्री कार्यालय बीच समझौता भेल बाद शिक्षक के काज में फिरता पठाओल गेल। मुदा हिनका सबके तलब भत्ता अखन धरि नहीं देल गेल अछि। सप्तरी के बलान बेहुली गांव पालिका के नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष ऊपर एक गोटे महिला सदस्य चप्पल प्रहार करित अभद्र व्यवहार केने सैन। गाँवपालिका 4 के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण झा ऊपर महिला वडा सदस्य उर्मिला देवी सा बृहस्पति दिन सांझ चप्पल प्रहार केने सैन। घटना के बाद प्रहरी वडा सदस्य महिला के नियंत्रण में लेने सैन। डीएसपी माधव प्रसाद काफले दोनों जनप्रतिनिधि बीच विवाद भेला से स्थिति तनावपूर्ण बनित गेल बाद अनुसंधान के लिए महिला वडा सदस्य शाह के नियंत्रण में लक आवश्यक पूछताछ भ रहल जानकारी करौने सैन। चप्पल फेंकने कारण नहीं खुजल तथा व्या संबंध में अनुसंधान भ रहल प्रहरी के कहब अछि। वडा अध्यक्ष झा कांग्रेस से निर्वाचित रहल सन त चप्पल प्रहार केने महिला वडा सदस्य एमाले वडा नंबर 2 से निर्वाचित रहल सन। महिला व्या गांव पालिका के दोसर वडा अध्यक्ष सूर्य कुमार दास आ बिंदेश्वर यादव के अनुसार चप्पल प्रहार केने बतायल गेल बाद प्रहरी ओ दुनू के सेहो खोज तलाश शुरू केने गाँव पालिका के अध्यक्ष यादव जानकारी देने सैन। स्थानीय बासिंदा सब कहलन गाँव पालिका के सदस्य मनोनीत कर विषय में उक्त विवाद शुरू भेल सन। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। शुक्र दिन सोन आ चांदी दोनों के दाम बढ़ल है। सोन के दाम तोला में 900 रुपया से बढ़ला से चांदी 25 रुपया से बढ़ल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देनी है। आज छापावाल सोन के दाम 98,500 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 98,000 निर्धारण कैल गेल है। तहिना चांदी के दाम 1290 रुपया प्रति तोला कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी दिलक है। बृहस्पति दिन 97,600 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 97,100 रुपया निर्धारण कैल गेल सल। तहिना चांदी 1265 रुपया में खरीद बिक्री कैल गेल सल। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब तखन धर के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।